सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है फर्म के अंदर और प्रॉफिट शेयर कैसे करते हैं, 3-2 रेशियो के अंदर करते हैं। दे हैड एडवांस दे रखा है कितना, 30,000 लोन फॉर देयर प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अक्टूबर 2015। तो उन्होंने 30,000 का लोन दिया हुआ है मिलके, और वो कैसे दिया हुआ है, 3-2 रेशियो के अंदर। तो अगर हम बात करें, 30,000 उन्होंने लोन दिया हुआ है और किस रेशियो में दिया हुआ है, ये 3-2 रेशियो के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, 3-2 कितना जाते हैं, 5। 5 से 30 को करोगे तो 28 में कितना आ जाएगा, 6। और 6 से कितना करो, 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। और 6 को 2 से करोगे तो ये 12,000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे उन्होंने लोन दिया हुआ है, एक ने 18,000, एक ने 12,000। और ये कब दिया है, अक्टूबर में दिया है, मतलब एंड कब होएगा आपका, 31 मार्च को। ठीक है ना, और आपने लोन कब दिया है, यहाँ पर अक्टूबर में दिया है, मतलब 1 तारीख को दिया है 10वें महीने की। तो 10वें महीना, 11वां 12वां, 3 और 3 6, तो 6 महीने का आपने क्या देना है, उनको इंटरेस्ट देना है जो उन्होंने लोन दिया है। लिखा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जो पार्टनर ने दिया है। कंप्यूट करो इंटरेस्ट पेबल जो पार्टनर को पे किया जाएगा, अज्यूमिंग द फर्म जो अपनी बुक क्लोज करेगी वो 31 मार्च को। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो इस केस में इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। तो 18,000 इंटू 6/12, 6 मंथ के लिए दोगे, ठीक है, और इंटू 6/100, 6% देंगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, 12,000 इंटू 6/12 इंटू कितना हो जाता है, 6/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटती, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना। अब क्या बचा, 6 6 से 2, 2 से 3, ठीक है, 6 से 2 और 2 से ये 3, ठीक है। ये कितना, 2 जीरो काट रहे तो 12 36, तो कितना बनेगा, ये 360 बनेगा अगर हम बात करें 6 महीने का। अगर हम बात करें कि इसकी 18 थी 18 थी 54, तो कितना बनेगा, ये 4540 बनेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इंटरेस्ट पे कर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने क्या दिया था, लोन दिया था, तो ये आपका इंटरेस्ट बनना है। इसके लिए क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ना कि एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये किसके आइटम है, ये आइटम है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ना कि एप्रोप्रिएशन की आइटम है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। यहाँ क्या करोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पर, 540 और 360, ठीक है। टोटल कितना बनेगा, ये 900 टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस, ये लॉस कहाँ आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है ना, 9,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ 9,000 दिखा दो और ऐसे ही 9,000 यहाँ दिखा दो। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन आएगा उसके अंदर कितना आइटम आ जाएगी, 9,000 का जो लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे डील करना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।